फिलहाल मैं मोराबादी मैदान में हूँ। एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद उनका फिजिकल फिटनेस चेक हुआ, उसके बावजूद हम लोग को न शेड्यूल जारी हुआ ट्रेनिंग का, न डेट दिया, और इसी के चक्कर में हम लोग की स्थिति बहुत खराब हो गई सर। लोग इसमें इतना मेहनत किए हैं कि और चीज़ पे फोकस गया ही नहीं है, बस इस खासकर हम लोग ने भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग मेहनत किए हैं। मोराबादी मैदान, रांची का वह मैदान जहाँ विरोध प्रदर्शन किया जाता है, लोग अपनी मांगों को लेकर आते हैं, सरकार से सवाल करते हैं कि हमारी मांगें क्यों नहीं पूरी की जाती है, सरकार उन्हें आश्वासन देती है। जिस तरह आपने पिछले दिनों खबरों में देखा था कि सहायक पुलिसकर्मियों का जो दल बल था वो आए थे अपनी मांगों को लेकर और उनकी मांगों को सरकार ने सुनी, इसी मद्देनज़र फिर से यहाँ होमगार्ड के अभ्यर्थियों का जमावड़ा आप देख सकते हैं। यहाँ होमगार्ड आए हैं, इन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति 2017 में हुई थी, उनका परीक्षा हुई थी, उनके बाद उनका फिजिकल फिटनेस का टेस्ट हुआ था, फिर उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिली और अब तक नहीं मिली, और इन्हें आश्वासन दिया गया स्थानीय प्रशासन ने, वहाँ के डीसी ने, कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी, लेकिन अब तक इन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिली है, इसलिए ये रांची पधार चुके हैं। जी हाँ, ये धनबाद से रांची आए हैं, इनकी कुल संख्या 735 है और अभी अब तक 300 से 350 लोग रांची पहुँच चुके हैं और भी जो लोग बचे हुए हैं वो रांची की तरफ रवाना हो चुके हैं। चलिए हम इनसे सीधे बात करते हैं और जानते हैं क्या है इनकी दुख पीड़ा। हमारे साथ है कुछ अभ्यर्थी हैं, इनसे हम बातें करेंगे और जानेंगे क्या कुछ हुआ उनके साथ, क्या कुछ हुआ था। मेरा नाम नजीत सर गुप्ता है, मैं विज्ञापन संख्या 1/2017 का होमगार्ड का विद्यार्थी हूँ। हम लोग का सारा प्रक्रिया हो गया, पहले फिजिकल हुआ, फिर मेडिकल हुआ, एग्ज़ाम हो गया और उसके बाद मेरिट लिस्ट लग गई, उसके बाद उम्मीदवारों का एक सूची तैयार डाटा किया गया कि ये उम्मीदवार ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। उसके बावजूद हम लोग को न शेड्यूल जारी हुआ ट्रेनिंग का, न डेट दिया गया, सिर्फ टाइम टू टाइम हम लोग को आगे टू आगे करा गया। हम लोग बहुत सारे अधिकारी के पास गए, बहुत सर गुहार लगाए, लेकिन परिणाम हम लोग को कुछ नहीं मिला। उसके बाद हम लोग ने 2-4 दिन धरना धनबाद में भी किया, वहाँ SDO साहब, पदाधिकारी साहब आए, उन्होंने हम लोग आश्वासन दिया, कहा कि आपकी बात हम मुख्यमंत्री से करवाएंगे, बात आगे बढ़वाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ अपना बात को हमारे जो CM साहब हैं उनसे कहने के लिए हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। आप लोग अभी कितने ज़िले से आए हैं, कौन कौन सा जिला? हम लोग धनबाद जिले के अभ्यर्थी हैं और हम लोग 350-300 से 350 के आसपास हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कुल कितनी संख्या आप लोगों की? हम लोग 735 अभ्यर्थी, चयनित अभ्यर्थी हैं हम लोग। और हमारी प्रक्रिया ये 2017 की है, जो ये 18 नवंबर 2018 में मतलब कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद से हम लोग 2 साल से अवगत हर अधिकारी लोग के पास जा कर के उनसे गुहार लगा रहे कि सर हम लोग का क्या होगा, ट्रेनिंग कब से दिया जाएगा, तो हर जगह से आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा, कभी बोला जाता है कि रांची जाइए, कभी बोला धनबाद जाइए, और इसी के चक्कर में हम लोग की स्थिति बहुत ख़राब हो गई सर। लॉकडाउन में आप देख रहे हैं कि हम लोग का जो प्राइवेट जॉब था वो भी संकट से घिरा गया है, जो ख़त्म हो चुका है, और पैसा के लिए हम लोग की ये स्थिति हो गई कि कर्ज लेकर के हम लोग रांची पहुँचे हैं और सरकार हम लोग को ध्यान नहीं दे रही है कि हम लोग आखिर हम लोग को क्या होगा। हम लोग कोई ऐसा तो नहीं कह रहे हैं, जो हमने मेहनत किया उसी का हम लोग हक मांग रहे हैं। आप लोग की नियुक्ति 2017 में हुई लेकिन आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर अब तक नहीं दिया गया, इतना दिन तक आप लोग क्या कर रहे हैं? सर जो बेरोजगार हम लोग हैं सर, जैसे प्राइवेट काम करते थे तो अभी जो होमगार्ड के चलते हम लोग काम को छोड़ दिए थे कि हम लोग का जल्द से जल्द हो जाएगा, इसी चलते सर हम लोग बेरोजगार हो गए सर। इसी चलते हम लोग आए हैं मोराबादी की सरकार से कि हम लोग का सर आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। हम लोग जितना है दीदी लोग आए हैं, जितना लोग सब आए हैं, लड़का लोग सब बेरोजगार हो गए, इसी चलते हम लोग बोले कि जल्द से जल्द सरकार से मांग किए हैं। चूँकि पिछले 6 से 7 महीना से लॉकडाउन था और इस प्रक्रिया में बहुत से ऐसे विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन आप लोगों ने कहे ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों की देरी हो गई? सबसे पहले तो आप हमारे देश का स्थिति को समझ सकते हैं, कैसे कोविड के स्थिति में थे, उस हिसाब से हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से फैसला लिया है। पहले हम लोग ने अपने जो DC अफसर थे हमारे धनबाद के, उनसे पहले गुहार लगाई, वहाँ हमने निर्णय लिया, वहाँ जब सोल्यूशन हुआ कि आप लोग रांची जाइए, वहाँ जाकर बात होगा, तो हम लोग यहाँ आए हैं CM से बात करने के लिए। स्थानीय प्रशासन से बात करने के बाद जब बात नहीं बनी तब इन्होंने रांची का रुख किया। धनबाद से ये लोग हैं, इनकी संख्या 700 से अधिक है, फिलहाल लोगों का आना अभी जो लोग हैं और बाकी हैं वो आएंगे। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर?
देखिए मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से, देखिए बेरोजगारी लास्ट स्तर में चल गई है और इस बेरोजगारी के देखते हुए सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि बेरोजगार को रोजगार दें। और ख़ासकर हम लोग ने भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग मेहनत किए हैं, हम लोग मेहनत करके इस बहाली को क्लियर किए हैं, तो सरकार से चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करके हमको ट्रेनिंग दे करके हमको रोजगार से जोड़ें। चूँकि जब आपकी नियुक्ति हुई थी, जब आपकी परीक्षाएं हुई थी, उस वक्त रघुवर सरकार थी, अब हेमंत सरकार से क्या कुछ उम्मीद है आपसे? जी सर, हेमंत सरकार सर से यही अनुरोध करते हैं कि सर हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए और हमारी बेरोजगारी को समझते हुए इस पर ध्यान दिया जाए। और आप देख ही रहे हैं हमारे सारे जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं बहुत मजबूरी के कारण यहाँ पर आ करके लास्ट में रांची में कितने खर्च उठा करके सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और इसमें ये देखा जा रहा है सर कि गरीब परिवार से हैं हम लोग, अगर पढ़े लिखे अगर ज़्यादा होते उच्च शिक्षा से होती तो हमारी भी तैयारी SI और दरोगा की करती। और चूंकि हम लोग को देश सेवा करना है चाहे किसी भी स्तर से हो, चाहे होमगार्ड हो या जिला पुलिस हो या किसी भी अन्य सेवाएँ हो, तो इस स्तर से हम लोग को सर नियुक्ति के लिए जल्द से जल्द ज्वाइनिंग के लिए मांग करते हैं। हम पीछे वाले लोगों से बातें करेंगे, थोड़ा सा रास्ता दीजिए। जिला प्रशासन जो अब DC से बात के धनबाद में, क्या कुछ आश्वासन मिला था? आश्वासन यही मिले कि वहाँ पे जाइए, वहाँ पे कुछ सब कुछ होगा। आप क्या कहें? कुछ पेपर था, मतलब रांची में, रांची से गया था DC साहब के धाम लोग का धनबाद, तो वहाँ भेजा जांच करके क्लियर करके भेज दिया रांची। अब रांची में जो बोला कि मुख्यालय करेगा उसी के आदेश से मतलब धनबाद हम लोग को ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा, तो अब यहाँ आए हैं हम लोग को, अब कितना लेट लगेगा वो भी देखना पड़ेगा। हमें बताइए कि मेल और फीमेल कितनी संख्या है, मेल की कितनी संख्या और फीमेल की कितनी संख्या? 250 मेल? हाँ 250 नहीं, फीमेल जो है 250 है और लगभग मेल है, हाँ उसमें 735 कुल अभ्यर्थी हैं। 2017 में आप लोगों की नियुक्ति हुई थी, उस वक्त आपका एग्ज़ाम हुआ था, उस समय आप इसका पुरजोर विरोध क्यों नहीं किए? देखिए जब ये बहाली जब क्लियर हुई तो लगभग सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थी, उसके बाद कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था कि इसमें जो कि ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन इसको देखते हुए सरकार जो कि काम किया इसमें, काम करने के बाद हमको स्पष्ट बताया कि नहीं तुम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग का बहाली सेफ है, इसलिए हम लोग विरोध नहीं कर रहे थे। जब पता चला कि हम लोग का काफ़ी देर होने लगा और हम लोग अपना जिला में खूब प्रयास किए, तब पता चला कि नहीं अब ऊपर से जो है अब ऊपर लेवल का बात है, तो अब ऊपर लेवल से बात कीजिए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम लोग पहले से विरोध नहीं कर रहे थे। जिला स्तर से जितना भी नियुक्ति का प्रक्रिया है सारा पूरा कर लिया गया है, अब जो कार्रवाई होगी अब यहाँ से होगी, बस इसलिए विरोध प्रदर्शन आप लोग का जारी रहेगा। क्या कुछ सोचे हैं कब तक, जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती या फिर आश्वासन मिल जाए तो चले जाएंगे, इस तरह की बात है क्या? ऐसा सरकार से कोई विरोध हम लोग का नहीं है, हम लोग सरकार से निवेदन है, नम्र निवेदन है और हमें आशा है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरे की जाएगी। हम लोग विनम्र भाव से पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट हैं और आशा करते हैं सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेगी, बस यही कहना चाहते हैं सरकार से। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, हम उनसे बातें करेंगे। अब तक क्या कुछ हुआ है आपके साथ? सर हम लोग क्या नहीं हुआ, हम लोग का बहुत दुर्दशा हो गया है, गति खराब हो गया है, हम लोग स्थिति बहुत खराब है। नियुक्ति हुई फिर आपकी फिजिकल फिटनेस का भी टेस्ट हुआ, हाँ जी, हम लोग का सबसे ट्रेनिंग लेटर क्यों नहीं मिला, उसमें इतना देरी क्यों हुई? वो तो सर सरकारी जाने क्यों हो रहा, 3 साल का समय लग गया, जो हम लोग का एज भी है 3 साल, हम लोग अगर काम करते 3 साल में हम लोग अभी कहाँ हैं और अभी तब कहाँ रहते, लेकिन 3 साल हम लोग का ऐसे ही व्यर्थ गया। 3 साल आपने क्या किया, 3 साल इतना दिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, आप इतना दिन इंतज़ार किए? 3 साल तो हम चाहें कि अगर किसी और चीज़ पे अपना फोकस डाले, पर ये इसमें इतना मेहनत किए हैं कि और चीज़ पे फोकस गया ही नहीं है, बस इसी के पीछे कि कभी ये ज्वाइनिंग होगी हमारी, बस। इसके अलावा भी तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन आपने फिर 3 साल बाद यहाँ के विरुद्ध प्रदर्शन करने का ये क्यों सोचा? क्योंकि सर जरिया हम लोग का ये चीज़ बन चुका है, ये सारा प्रोसेस कम्प्लीट है और अभी हम लोग कहीं कुछ करते तो नए से शुरू से स्टार्ट करते और यहाँ सारा चीज़ कम्प्लीट है, तो यहाँ पर हम लोग विश्वास बना है कि हम लोग की ज्वाइनिंग हो जाए, तो इसीलिए। आप क्या कुछ कहेंगे मैडम? बस यही कहना चाहेंगे कि हमारी ट्रेनिंग की डेट दिया जाए, हमारे मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग सब अभ्यर्थी हैं और सब
मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। यहाँ तक का जो सफ़र था बहुत ही कठिनदायक था, अभी तक किसी ने अन्न तक नहीं लिया है, सब ऊपरी खा के ही हम लोग रहे हैं। किस लिए ये हमारा हक है और हम इस चीज़ को मानते हैं कि हम अपने बात अपने सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे मांगों को पूरा करिए, क्योंकि अब आश्वासन से अब कुछ काम नहीं हो पाएगा। 3 साल तक तो सिर्फ आश्वासन मिला है, कम से कम अब हमें लिखित दे दीजिए। मेरी सरकार से बस यही मांग है, बस 3 साल तक आप इंतजार करते रहे, आश्वासन मिलते रहा, जी जी, नियुक्ति का ज्वाइनिंग लेटर अब तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिली है, जबकि सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलती आई है। हेमंत सरकार से क्या उम्मीद लगाएंगे? हम हेमंत सरकार से यही उम्मीद लगाएंगे कि हमारी गुहारों को सुने, हमारी तकलीफ हमारी पीड़ा को समझे और हमारे मांगों को पूरे करें, और हम अपनी ड्यूटी को सफलपूर्वक अपनी हिम्मत और सहयोग से झारखंड को और अच्छा योगदान दे सके। आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट हैं तो अब होमगार्ड की नौकरी क्यों पसंद? मेरे ऑप्शन थे लेकिन हम और ऑप्शन में निकाल नहीं सके, लेकिन अब जो निकल गया है उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। मेरा पर्पस यही है कि जो हाथ आ गया मेरा फर्स्ट, ये मेरा जो जॉब लगा है इसको हम हाथ से जाने नहीं दे सकते हैं। अगर ये हो जाने के बाद हम किसी और चीज़ में भी हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पहले ये मेरा फर्स्ट नौकरी है, हम इसको हाथ से नहीं जाने दे सकते हैं। इनका साफ कहना है कि इन्होंने जो मेहनत की है नियुक्ति प्रक्रिया में, मेहनत की थी, फिर इनको फिजिकल फिटनेस हुआ था, फिर जाके इनका जो उम्मीद था कि नहीं मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी, लेकिन अब तक नहीं मिली है। और कुछ कहेंगे मैडम? पर सरकार से प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि हम लोगों का दर्द दुख को देखें और हम लोग का जो मांग है, एक ही मांग है, सिर्फ हम लोग को ज्वाइनिंग दिया जाए वो पूरा करें, बस इतना ही। आपने सुना किस प्रकार इनकी मांगे हैं, इनकी मुख्य मांगे यही है कि इन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल जाना चाहिए। ये अब आश्वासन पर नहीं रुकने वाले हैं, इन्होंने साफ कह दिया है कि हम आश्वासन पर अब नहीं रुकेंगे, हमें जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाता हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। सरकार से इनकी गुहार यही है कि हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लेटर प्रदान करें। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं संवाददाता मोहम्मद फैसल, JK News Network, रांची।